नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत का खास शो मेरा भारत सोंचरैया। सोंचरैया में आज बात लद्दाख की। उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच स्थित लद्दाख एक बेहद ही खूबसूरत जगह है। यह पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है, जहां की अद्भुत खूबसूरती लोगों का मन मोह लेती है। लद्दाख भारत में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ के बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग में आ गए हों। ट्रैकिंग करने का शौक रखने वाले लोगों के बीच लद्दाख बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ कैंपिंग करना भी किसी रोमांच से कम नहीं होता। यहाँ के खूबसूरत झील और बर्फ से ढके पहाड़ दिमाग को एकदम तरोताजा कर देते हैं। अगर आप किसी अच्छी जगह घूमने जाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको लद्दाख जरूर जाना चाहिए। पेंगोंग झील यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। करीब 43,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील सर्दियों के मौसम में पूरी तरह से जम जाती है। ऐसे में इस जगह की खूबसूरती और भी बढ़ती है। मैग्नेटिक हिल। लद्दाख में एक ऐसी पहाड़ी है जिसे मैग्नेटिक हिल या चुंबकीय पहाड़ी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि यह पहाड़ी गाड़ियों को ऊपर की ओर खींचती है। कहा जाता है कि अगर किसी कार को बिना स्टार्ट किए यहाँ छोड़ दिया जाए तो गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने आप आसानी से लुढ़क सकती है। यही वजह है कि यह जगह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। फुकताल मठ। लद्दाख की वादियों में मौजूद यह बेहद ही प्राचीन और अद्भुत मठ है, जो अपनी बनावट और सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस मठ को 2000 साल से भी अधिक पुराना बताया गया है। ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए ये एक बेहद खास जगह है, तो अगर आप कभी लद्दाख की यात्रा करें तो इस जगह की सैर करना बिल्कुल न भूलें। खारदुंग लापास। लद्दाख में स्थित इस जगह को नुब्रा और श्योक घाटियों के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। 5000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता और हवा ऐसा महसूस करवाती है जैसे आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।